तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके बिजनेस 22 में स्वागत है आपका। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आया हूँ आर्मेचर के बारे में, मतलब मिक्सर का आर्मेचर। अगर आप मिक्सर रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम आती होगी जब आप मोटर खोलते हैं मिक्सर की, तो उसके आर्मेचर की साइज़ पहचानने में कि ये क्या साइज़ का आर्मेचर होगा, ठीक है ना। तो हमें ऐसा देख के समझ में नहीं आता कि ये क्या साइज़ का होगा, इस पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है साइज वगैरह, तो हम कैसे पहचाने कि ये कितने mm का है। तो इसमें कन्फ्यूज रहते हैं बहुत से लोग, बहुत दिन हो जाता है, काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, अलग अलग मोटर मिक्सर खोलो तो अलग अलग साइज निकलते रहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, लेकर जाओ बॉक्स खोल खोल के मैच करो, इसमें नहीं मैच हो रहा, उसमें नहीं मैच हो रहा, उसमें नहीं मैच हो रहा, इसमें नहीं मैच हो रहा। दोस्तों इसको हम कैसे पहचाने, बॉक्स पे तो नंबर दिया रहता है 42 mm, 38 mm, 27 mm, ठीक है। तो इस तरह से बॉक्सों पे नंबर रहता है, पर इस पे कोई नंबर नहीं होता, इसे हमें ऐसे ही पहचानना होता है। जब आप जूने हो जाते हैं काम कर करके, तो फिर आपको ये समझ में आने लगता है कि ये कितने mm का होगा। लेकिन आप नए हैं तो आप कैसे जाने इसको, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने ये मोटर खोल लिया और इसमें से जो आर्मेचर निकला, अब मैं इसको कैसे पहचानूं कि कितने mm का है। तो मुझे सिंपली मेजर टेप लेना है, मेजर टेप लेकर के बिल्कुल भी ऐसे लगाना, मैं आपको अच्छी तरह से दिखा दूं, देख रहे हैं जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला, ये इंच है, और जो ये बाजू वाला है मेरी तरफ वाला, ये mm है। एक मतलब 10 mm, 2 मतलब 20 mm, 3 मतलब 30, 4 मतलब 40, तो ये इस तरह से है। तो जब इजीली सिंपल हम इसको ऐसे करते हैं तो ये देखिए ये आ गया बराबर, ये 38 mm का है, मतलब 4 में थोड़ा कम है दो लाइन, तो ये 38 mm का हो गया, ये 38 mm का आर्मेचर है बराबर ये। अब जैसा कि मैं अगर ये वाला लेता हूँ एक दूसरा आर्मेचर, इसका भी सेम इसी तरह से हमें इसे मापना है। स्टार्टिंग में ये शुरुआत में हमें खाली, बाद में तो ऑटोमेटिक देख के हम समझ जाएंगे कि कितने mm का होगा। देखिए ये कितना है, ये 27 mm का, मतलब एक के 27 mm का आर्मेचर है, ठीक है। इसी तरह मान लो हमने कोई नया मोटर खोला और उसको निकाला आर्मेचर, हमें नहीं समझ में आ रहा कि कितना mm का है, तो हमें जाना है बॉक्स में लाने, तो हम सब बॉक्स को पलटी मारेंगे लग निकाल निकाल के। तो हम सिंपली, अगर आपके पास मेजर टेप है, इंची टेप है, तो आप इसे पता लगा सकते हैं कि ये देखिए ये 50 में दो लाइन कम है, तो ये मतलब 50 में दो लाइन कम, तो ये 38 mm का हो गया बराबर। इस तरह से हमें पता चल जाएगा, हमें ये बार बार नहीं करना है। ये स्टार्टिंग में शुरू में जब हम 2, 4, 10 मरतबा माप लिए ना, तो फिर हमको मेजर टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उसको देख कर ही पहचान जाएंगे कि कितने mm का होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी साइज जान सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, इसे सीखो हर दिन, कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर सीखो, ऐड करो अपने अंदर कुछ नया कुछ अलग। ये लोग अंदाज सही करते हैं, पर आपने ये जाना होगा कि जो इसका जो साइज जो बॉक्स पे होता है, ये जैसे 42 mm का है या फिर ये 48 mm का है, ठीक है। तो इसी का साइज जो ये क्या दिया रहता है, जो ये फील्ड है ना ये वाली, ये जो इतना हिस्सा है, ये इसका साइज इस पे दिया होता है। ये जितने mm का जब आप मेजर टेप से मापेंगे ना, तो ये वाला हिस्सा जिससे कि ये 48 mm का आया ऐसा मापने पर, तो ये बॉक्स पर जो नंबर रहता है ये 48 mm, ये इसी का साइज दिया रहता है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कि अब ये वाला उठाया, तो ये अगर आप मापेंगे तो ये 27 mm आएगा, तो ये जो बॉक्स पे नंबर दिया हुआ है के 27, ठीक है, तो ये इसी का साइज दिया हुआ है, इसका साइज बॉक्स पे दिया जाता है कि ये 27 mm का आर्मेचर है, के 27, ओके। तो आपको ज़रूर कुछ नॉलेज जानकारी हासिल हुई रहेगी इस वीडियो को देखने के बाद में। अब बाकी का काम तो आगे आगे हम और मिक्सर में जानेंगे बहुत सारी चीज़ें, अभी बाकी ये तो बेसिकली सिंपल में नए लोगों के लिए जो सीख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं सोचा कि आज एक वीडियो बनाता हूँ कि आर्मेचर को कैसे देख कर पहचाने कि कितने mm का है। तो इसी तरह से आप अपनी लाइफ में हर दिन कुछ वैल्यू ऐड करते रहें, कुछ नॉलेज हासिल करते रहें, तो देखना आने वाले वक्त में आप काफ़ी कुछ सीखेंगे, समझेंगे और स्किल सीख जाएंगे, अच्छा पैसा कमा सकते हैं आप। मार्केट में स्किल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी तरह से आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, थी तो बहुत छोटी बात लेकिन इम्पोर्टेंट बात थी, मिक्सी का काम करने वाले लोगों के लिए, मिक्सर का काम सीखने वालों के लिए, ठीक है। तो
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखना।